नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स एनालिसिस। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दोस्तों आपके, आप मुझे कह रहे थे कि भाई कॉन्स्टेबल ड्राइवर का, कॉन्स्टेबल का और ट्रेड्समैन का दोस्तों एडमिट कार्ड आ चुका है। जैसे कि आपको पता है कि स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड आ चुका है ट्रेड्समैन का, तो सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है। और जस्ट मुझे थोड़ी देर पहले मेरे एक सब्सक्राइबर की मुझे कॉल भी आई थी, तो उन्होंने कहा था सर आप मेरा निकाल दीजिए एडमिट कार्ड, तो उनका मैंने एडमिट कार्ड निकाल भी दिया है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं दोस्तों, कि मुझे ITBP की तरफ से अभी दो मेल आए हैं और एक आया है SMS जो मेरे फ़ोन पे रिसीव है। तो दोस्तों स्क्रीन पे आप देख रहे हैं दोस्तों, लिखा आ रहा है रिवाइज एडमिट ऑफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन ट्रेड टेस्ट। तो दोस्तों ये देखिए, इस पर लिख रखा है दोस्तों, देखिए ITBP में कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन 2017 के पद पर भर्ती के लिए ट्रेड टेस्ट के लिए पहले जारी किए गए ऑनलाइन एडमिट कार्ड के संदर्भ में ये सूचित किया जाता है कि तकनीकी कारणों से उपरोक्त भर्ती के लिए संशोधित एडमिट कार्ड 28/2/19 4 बजे को ITBP वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। यानी कि जिन बच्चों के एडमिट कार्ड दोस्तों अभी तक नहीं शो हो रहे दोस्तों, उनके एडमिट कार्ड भी आज शो हो जाएंगे दोस्तों, आज सभी के एडमिट कार्ड आ जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों जिन बच्चों ने अपने एडमिट कार्ड डाउन कर रखे हैं पहले, तो चेक कर लें दोस्तों कि कोई थोड़ी सी रिवीजन तो नहीं कर रखी दोस्तों। हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड, आपका स्किल टेस्ट दोस्तों अगर 11 तारीख को रखा गया हो तो आपका एक्सटेंड करके 18 को कर दिया हो दोस्तों, तो अपना एडमिट कार्ड दोबारा चेक कर लें। और दोस्तों एक और बात दोस्तों, जो देखिए आपको बताता हूँ किन किन बच्चों का दोस्तों ये जो एडमिट कार्ड है उसको रिवाइज़ किया गया, उसको दोबारा से रीप्रिंट करना पड़ेगा दोस्तों। आपको अपनी वेबसाइट पर जाएँ, लॉगिन करें अकाउंट में जाके और दोबारा से अपना एडमिट कार्ड निकालें। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कितने कितने बच्चों का दोस्तों, देखिए आप देख रहे हैं 2 से 30 ये दोस्तों जितने भी बच्चे हैं सभी का एडमिट कार्ड दोस्तों रिवाइज़ किया गया है, दोबारा इसमें रिविज़न की गई है। कोई गलती वगैरह हो गई, टेक्निकल प्रॉब्लम तो उसको सेट कर दिया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, इतने सारे बच्चों का दोस्तों ये जो एडमिट कार्ड है दोबारा से रिलीज़ किया गया है। आप देख रहे हो दोस्तों कितनी लंबी लाइन चल रही है, ठीक है। इस सभी बच्चों का एडमिट कार्ड दोबारा से रिलीज़ किया गया है दोस्तों, जिसमें दोस्तों मेरा भी एडमिट कार्ड रिलीज़ किया गया दोबारा। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एडमिट कार्ड दोस्तों कहाँ पर है इसमें, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें मेरी ईमेल आईडी भी दे रखी है दोस्तों, मैं आपको सर्च करके बताता हूँ आपकी मेरी ईमेल आईडी कहाँ पर है। तो दोस्तों आप वेट कीजिए 2 मिनट, आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि मेरी ईमेल आईडी कहाँ पर है दोस्तों। जस्ट मैंने ऊपर ही देखी थी अपनी, तो दोस्तों यहीं पे दोस्तों मेरी होगी ईमेल आईडी। जैसे मैं चेक कर रहा था मुझे दोस्तों दो मेल आई थी और एक SMS भी रिसीव किया गया था दोस्तों, आपको SMS भी बताऊंगा मेरा SMS कहाँ था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि मेरे को मेरी ईमेल आईडी पे कहाँ इन्होंने सेंड किया गया है दोस्तों। इतने सारे बच्चों को दोस्तों दोबारा से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा दोस्तों, हो सकता है कि कुछ डेट वगैरह में चेंज किया गया हो, उनका जो एडमिट कार्ड जो हो स्किल टेस्ट की डेट हो आगे बढ़ा दी गई हो या फिर पीछे कर दी गई हो, कुछ भी दोस्तों रिवीजन उन्होंने कर दिया दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो जस्ट दोस्तों 1 मिनट थोड़ा समय लग रहा है, चेक कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों ये मुझे मिल चुका है दोस्तों, ये मुझे मिल चुका है, देखिए आप ये देखिए ये वाला लेख राज राणा 769 दोस्तों, ये मेरी ईमेल आईडी जो मैंने दोस्तों उसमें फॉर्म के समय भर रखी थी दोस्तों। तो मेरा भी उन्होंने रिवीजन दोस्तों, मेरा एडमिट कार्ड को भी उन्होंने डेट चेंज कर रखी है दोस्तों, मैं चेक करता हूँ दोस्तों। और दोस्तों मुझे एक और एडमिट कार्ड उन्होंने एक और मैसेज उन्होंने मुझे भेजा दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि SMS में क्या उन्होंने भेज रखा है दोस्तों। देखिए रिक्वायरमेंट सपोर्ट फॉर ITBP सेंड, आपको सूचित किया जाता है कि प्रशासनिक कारण से ITBP में ट्रेडर्स के लिए जारी किए गए प्रवेश पत्रों में संशोधन किया गया है, यानी कि कुछ चेंजेस किए गए हैं दोस्तों। तो अपने एडमिट कार्ड अपने जाके या दोस्तों आप ITBP के अकाउंट को लॉगिन करें और अपने एडमिट कार्ड में चेक करें कि कोई चेंजेस तो नहीं किए गए, हो सकता है किसी की डेट आगे बढ़ा दी हो दोस्तों, हो सकता है किसी का कुछ भी दोस्तों कुछ भी उन्होंने चेंज कर रखा हो दोस्तों। और जिन बच्चों का एडमिट कार्ड अभी तक नहीं है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आज या कल के अंदर आपका एडमिट कार्ड आ जाएंगे। जो उन्होंने कहा था कि थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है दोस्तों, तो टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ी दूर हो चुकी दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा बच्चों को दोस्तों एडमिट कार्ड उन्होंने भेज रखा है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको ये बताऊँ दोस्तों, कम से कम 70 से 75% बच्चे उड़ने वाले हैं ट्रेड टेस्ट में, ये मेरी बात को समझ लो दोस्तों, क्योंकि रिटर्न लगभग काफ़ी बच्चे निकाल लेंगे, ट्रेड टेस्ट में काफ़ी बच्चे उड़ जाएंगे दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही लगे, तो गाइस इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।